हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। मैं हूं सचिन सैनी और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CIT सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के बारे में। जो स्टूडेंट नवंबर और अक्टूबर 2020 के अंदर एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से या फिर कोई और रीज़न रहा हो, एग्ज़ाम वो अटेंड नहीं कर पाए थे, तो क्या वो एग्ज़ाम दे पाएंगे? या फिर जिनकी सप्लीमेंट्री आई थी वो कब तक एग्ज़ाम दे पाएंगे, कब तक उनके एग्ज़ाम होने के आसार है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। सो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। सो देखिए, काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं स्टूडेंट की कि सर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे जो अक्टूबर में या नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था। और जब हम अपने ट्रेनिंग ऑफिसर से बात करते हैं उसके रिगार्डिंग, तो उनका आंसर यही होता है कि नहीं, आप जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाओगे, लेकिन जो बच्चे हैं सप्लीमेंट्री जिनकी आई है वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो कि सरासर गलत है, एक जो सेटिस्फाइड आंसर है वो ट्रेनिंग ऑफिसर्स नहीं दे पा रहे हैं। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ कि ये गलत है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मीटिंग हुई है CFI की जो वेबसाइट है उस पे जो डाटा अवेलेबल है उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपके ट्रेनिंग ऑफिसर कहते हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे तो वो सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जो ITI के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, 3 बार एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, 2020 से लेके अभी तक 3 बार एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, और जो बच्चे अभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए वो भी जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इतने ज़्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं ITI वाले एग्जाम स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए या सप्लीमेंट्री जिनकी आई है। साथ ही साथ बात करूँ मैं CTI की, तो मैं किस बेस पे कह रहा हूँ कि CFI की वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक अपडेट सेक्शन में आप देखोगे तो PDF अवेलेबल है जो लेटेस्ट है 2019 की, लेकिन वो लेटेस्ट है, सबसे जो लेटेस्ट जानकारी वही है। वो जो है इन्फॉर्मेशन वो 26 जनवरी 2019 की है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 26 जनवरी 2019 की ये एक PDF है जो शेयर की गई है CFI की वेबसाइट पे। इसमें कुछ फैसले लिए गए थे कि कितने अटेम्प्ट्स दिए जाए स्टूडेंट्स को जो ऑल इंडिया टेस्ट दे रहे हैं। तो आप थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे कि टोटल 4 चांस दिए जा रहे हैं हर एक ट्रेनी को, ठीक, 4 चांस दिए जा रहे हैं, 4 चांसेस दिए जा रहे हैं, 1 रेगुलर अटेम्प्ट और 3 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक, एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए 1 रेगुलर जो आप करते हैं वो तो है ही है, साथ में जो आपके 3 अटैम्प्ट सप्लीमेंट्री आप एग्ज़ाम दे सकते हो ये ऑल इंडिया में होता है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में ये है, ठीक। तो CFI की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि NSTI के लिए भी है, सिर्फ ITI के लिए नहीं है, CITS के लिए भी है, और ये सब्जेक्ट है वो CITS के ही रिगार्डिंग था। तो देखिए इस PDF में क्या लिखा गया है, जब पैरा नंबर 1 देखोगे, ट्रेनिज मे बी अलाउड टू अपियर इन AITT फॉर टोटल 4 अटैम्प्ट, 1 अटैम्प्ट एज ए रेगुलर एंड 3 अटैम्प्ट फॉर सप्लीमेंट्री, यानी कि 3 बार आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हो और 1 अटैम्प्ट रेगुलर जो होता ही है। अब जब आप सेकेंड नंबर पैरा नंबर बी देखोगे तो इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं। क्या लिखा गया है, सप्लीमेंट्री एग्जाम विल बी हेल्ड एवरी 6 और इवन 3 मंथ कि 6 महीने में या 3 महीने में भी, 6 महीने में तो कंडक्ट किए ही जाने हैं, अगर चांसेस बच्चे ज़्यादा हैं तो 3 महीने भी एग्जाम कंडक्ट किए जा सकते हैं, और इफ़ ए ट्रेनी डज नॉट अपियर इन 1 और मोर ऑफ द 3+1 एडिशनल, यानी कि अगर कोई फर्स्ट के अंदर एज ए रेगुलर किसी में प्रेजेंट नहीं होता है या 3 सप्लीमेंट्री एग्जाम में प्रेजेंट नहीं होता है तो वो लूज कर देगा अपना रजिस्ट्रेशन। तो देखिए इसमें गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अपीयर नहीं करते हैं फर्स्ट वाले में भी, एज ए रेगुलर फर्स्ट में भी अपीयर नहीं करते हैं वो भी एलिजिबल होंगे बाकी 3 के लिए। तो अगर आपके जो NSTI की जो TOs कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे तो गलत हुआ ना, तो आपको घबराना नहीं है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो उसमें भी साफ लिखा होगा जो अपीयर नहीं कर पाए थे अक्टूबर और नवंबर 2020 में वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। श्योर, मैं 100% श्योर हूँ कि वो लिखा आएगा कि आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, एलिजिबल आप पूरे हो, इस लेटर को आप शो कर सकते हो। अगर आपका कोई TO कहता है कि आप बेटा एलिजिबल नहीं हो, जो एक बार नहीं दे पाए, प्रेजेंट नहीं हो पाए, दोबारा नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बात है। ये जो नोट है वो आप दिखाइए, नोटिस दिखाइए, लेटर दिखाइए कि सर देखिए जो अटैम्प्ट नहीं कर पाए फर्स्ट जो रेगुलर है उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाए वो भी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है, ठीक। तो यही थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन एलिजिबल है,
ठीक है, क्या आप एग्ज़ाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे पाओगे, तैयारी कीजिए। ट्रेनिंग मेथोलॉजी की तैयारी आपको करवाई जा रही है। अगर आप ट्रेड थ्योरी में प्रैक्टिकल में कहीं भी आपकी प्रॉब्लम है तो भारत स्किल से आप पढ़िए, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं। और एग्ज़ाम कब होंगे, कब होंगे एग्ज़ाम, ये बच्चे सप्लीमेंट्री वाले भी पूछ रहे हैं और वो भी पूछ रहे हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो देखिए, इसका कोई नोटिस नहीं है, तो मैं अपने बेस पे, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं कि एग्ज़ाम होने ही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम हैं वो अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो सकते हैं। यानी कि अगस्त या सितंबर में आप मान के चलिए आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप तैयारी कीजिए, घबराइए ना कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, डोंट वरी, आप एग्ज़ाम दे पाओगे। यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। और जितनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे, उतना कोई नहीं कह पाएगा आपको, शायद शायद कीवर्ड लगा देगा, लेकिन इस नोटिस के हिसाब से जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे, डोंट वरी। अगर आपने आप अवेलेबल नहीं थे अक्टूबर और नवंबर में, तब भी आप एग्ज़ाम दे पाओगे, डोंट वरी। सो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।